चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में तबाही का मंजर छोड़कर शुक्रवार देर रात को डीप डिप्रेशन में बदलकर राजस्थान में प्रवेश कर गया। सात चौर में देर रात तक बारिश और अंधड़ से बिजली के पोल गिर गए, इससे बिजली गुल हो गई। तो वहीं रात करीब 10:40 पर तूफान बाड़मेर जिले के बखासर पहुंच गया, इससे आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। तूफान के असर से बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर और बीकानेर में बारिश हुई। जालौर के चितलवाना में सर्वाधिक 3 इंच, पाली के सुमेरपुर व सिरोही के शिवगंज व माउंट आबू में भी 1-1 इंच बारिश हुई। राजस्थान में मौसम विभाग ने सभी जिलों में 3 दिन अलर्ट जारी किया है। 19 जून तक तूफान का असर रहेगा। शनिवार से नियाज से कई जिलों में 8 इंच तक बारिश होने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। यानी अब 3 दिन राजस्थान में इस तूफान का असर नजर आएगा। कल बाड़मेर जालौर के रास्ते राजस्थान में प्रवेश कर गया है ये तूफान। वहीं यहाँ राजस्थान में भी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यानी आंधी चलने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। राजस्थान में भी करीब बाड़मेर में 5,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से बारिश का दौर शुरू हुआ, रात भर से ये बारिश यूँ चलती रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, कई जगह पर बिजली के पोल गिर गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। वहीं आपको बता दें कि बाड़मेर में शुक्रवार को यानी कल बिपरजॉय तूफान का असर उसके प्रवेश से पहले भी देखने को मिला और दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर यहां चलता रहा। इस दौरान बीच बीच में कभी तेज बारिश भी हुई, तो शहर की सड़कों पर जल भराव हो गया। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए। वहीं बसों में भी कम भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि चक्रवात के असर को देखते हुए यहाँ राजस्थान में भी मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया था, लोगों से कहा गया था कि घरों से कम ही बाहर निकलें, ऐसी जगह पर खड़े ना हों जहाँ पर खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे में कल काफ़ी कम लोग घरों से बाहर बाड़मेर में नजर आए।